नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कंगाल पाकिस्तान पर आए दिन नई नई आर्थिक मुसीबतों का पहाड़ टूटता रहता है। अब पाकिस्तान पर मुसीबत का ऐसा ही एक और पहाड़ टूटा है, बिजली संकट का। जी हां, पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहरा गया है, जिससे आम लोगों से लेकर हर वर्ग के लोग वहां इस वक्त परेशान हैं। हालात किस कदर बदतर हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिजली संकट को जताने के लिए वहां की सरकार ने एक दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने पीएमओ में कैबिनेट की बैठक भी बगैर लाइट चलाए की थी। आतंकवाद को न्यूट्रिशन पहुंचाने वाले पाकिस्तान के लिए पावर क्राइसिस को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो चुका है। यही वजह है कि शहबाज सरकार ने ऊर्जा बचत के लिए एक विस्तृत प्लान भी तैयार किया। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से 6,200 करोड़ रुपए की बचत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के बिजली विभाग पर सितंबर 2021 तक 2,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो साल 2022 में बढ़कर 2,43,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। शहबाज सरकार ने बिजली संकट के लिए जो प्लान बनाया है, उसके मुताबिक ज्यादा बिजली की खपत करने वाले पंखों का उत्पादन जुलाई से बंद होगा। इससे करीब 2,200 करोड़ बचाने में मदद मिलेगी। वेडिंग हॉल्स रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। 1 फरवरी के बाद केवल एलईडी बल्बों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने सभी सरकारी विभागों में 30% तक बिजली बचाने का फरमान जारी किया है। बाजार रात को 8:30 बजे तक ही खोलने की मंजूरी है। वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोनिकल गीजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने प्लान तो बना दिया, लेकिन अब उनके इस प्लान का पाकिस्तानी आवाम ही विरोध कर रही है। बिजली संकट गहराने से आम लोगों से लेकर ट्रेड यूनियनों तक में आक्रोश है। ज्यादातर व्यापारियों ने ऊर्जा बचत योजना का विरोध किया है। इस्लामाबाद में ट्रेड यूनियन ने इस योजना को लागू नहीं करने का फैसला किया। लोग कह रहे हैं कि मुल्क में गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और कारोबार पहले ही खत्म होने की कगार पर है। लोग कह रहे हैं कि हम पाक सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो रैलियों में इस्तेमाल होने वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों को रोकेंगे। इन्हें रोकने से भी अरबों रुपए की बचत हो सकती है। इस वक्त बलूचिस्तान में 10 से 12 घंटे तक, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों को 6 से 12 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बचाने के इस प्लान का पाकिस्तान में विरोध शुरू हो चुका है। वहां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार की इस योजना को मानने से इनकार कर दिया गया है। दोनों प्रांतों में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार है, इसलिए बिजली बचाने के फैसले का पालन नहीं करने के पीछे राजनीतिक वजहें मानी जा रही हैं। पाकिस्तान में बिजली संकट की मुख्य वजह अगर देखा जाए तो आर्थिक बदहाली है। दरअसल पाकिस्तान के ज़्यादातर पावर प्लांट में तेल के जरिए बिजली पैदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले तेल को विदेशों से आयात किया जाता है। यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया भर में तेल की कीमतों में दुगने से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू 226.67 रुपये प्रति डॉलर तक पहुँच चुकी है। ऐसे में सरकार तेल का आयात कम से कम करना चाहती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम तेल और गैस दूसरे देशों से खरीद सकें। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं वजहों से अगस्त 2021 की तुलना में जून 2022 में पाकिस्तान में तेल के आयात में 50% तक की कमी आई थी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान में गहराए बिजली संकट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।